नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया का सीजन 3 लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस सीजन में कई बेहतरीन और आकर्षक पिच देखने को मिल रहे हैं, तो हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे ही मजेदार पिच के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल शार्क टैंक इंडिया में महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव यवतमाल के रहने वाले हर्षल महादेव नक्शने ने AI कार्स की पिच दी है, जिसने जजेस को काफी प्रभावित भी किया था। बचपन में कार खरीदने का सपना देखने वाले 27 साल के हर्षल ने अपने उद्यमशीलता के सपने AI कार्स को प्रस्तुत किया। ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला हाइड्रोजन आधारित व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप है। आपको बता दें कि हर्षल की यात्रा 19 साल की उम्र में शुरू हुई थी, जिसने एक वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने के उनके जुनून को बढ़ाया। सिर्फ 18 महीनों में घर के पीछे एक छोटे से गैराज में इस कार को बनाया गया है। इसे बनाने में करीब 60 लाख रुपए का खर्च भी आया है। हर्षल ने बताया कि दोस्त और परिवार के अलावा अपने एक दूसरे बिजनेस से हुई कमाई के पैसों से इसको बनाया गया है और इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल इस्तेमाल होते हैं। बता दें कि जहां एक ओर इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज होने में औसतन 5 से 6 घंटे लगते हैं, वहीं इस हाइड्रोजन फ्यूलिंग में महज 3 से 5 मिनट का वक्त लगता है। इतने में ही 1000 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज मिल जाती है। हर्षल ने बताया कि उनकी ये कार ऑटोमेटिक है, जो भारत के रास्तों पर खुद ही चल सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने तमाम शार्क को एक टेस्ट ड्राइव भी दी। नॉर्मल ऑटोमेटिक कार का AI लेन सिस्टम पर काम करता है, जबकि इसमें जो AI है वो भारतीय सड़कों के हिसाब से है और इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग की भी सुविधा दी गई है। विदेशी कंपनियों के AI लिडार इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस कार में 3D कैमरा और अल्ट्रासोनिक सेंटर के जरिए ये काम होता है। टेस्ला ने भी अभी 3D कैमरा पर शिफ्ट किया है, लेकिन अभी भी वो ये नहीं समझ पाता है कि सामने प्लास्टिक है या फिर पत्थर, जबकि इस कार का AI वो भी समझने में समर्थ है। ऑटोमोटिव क्षेत्र में बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हुए हर्षल ने अपने स्टार्टअप का 4% देने के बदले 2 करोड़ रुपए की मांग रखी थी, लेकिन संस्थापक बिना किसी सौदे के शार्क टैंक से बाहर चले गए। अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए हर्षल ने बताया कि हमारे ब्रांड AI कार्स के साथ शार्क टैंक में भाग लेना युवा उद्यमियों के लिए एक जबरदस्त अवसर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।